इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल यो बॉल। हेलो बा, जय श्री। कौशिक, खबर में तो हम लोग मध्य प्रदेश के जंगल में हैं। किसी ने कहा कि यहाँ गजरे अच्छे मिलते हैं, तो हंसा बाबी ने कहा कि गाड़ी मध्य प्रदेश ले लो। हाँ है ना, बाबूजी भी है ना। अच्छा बता बा, बाबूजी क्या कर रहे होंगे? कर रहे, गाड़ी को धक्का मार रहे। बाबा, बापू दम लगा के ऐसे जोर से धक्का मारिए। धक्के मार रहे हो, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे मूंछों वाले अंसा, मेरी सांसें फूल रही है यहाँ। सांसें तो फूलेगी ना, दिन भर घर में बैठ रहे थे चिल्लम चिल्ली करते हुए। जयश्री, चाय ला रही हो? बाहर से मंगवा लूं? जरा भी एक्सरसाइज नहीं करते। आवेश कुमार प्रफुल, एक्सरसाइज मतलब? एक्सरसाइज अंसा, अरे हमारी वो मीनाक्षी बहन रमेश साहब जूतों के बारे में क्या शिकायत करती रहती है, याद करो याद करो। वो कहती है कि रमेश साहब जूते ऐसे तो ठीक है और सस्ते भी है, मगर अक्सर साइज में गड़बड़ होती है। साहब अक्सर साइज में, अक्सर साइज में, अक्सर साइज में। अच्छा अच्छा, एक्सरसाइज। प्रफुल हंसा, तुम लोग, ओहो बाबूजी, बहस छोड़िए और चुपचाप धक्के मारिए। बापू ऐसे साइड में खड़े रहकर धक्का मारोगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। वहाँ बीच में खड़े रहकर मारिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबूजी, आप वापस आ जाइए, यहाँ पे वापस आ जाइए। नहीं मंजू बाबूजी, ऐसे बीच में खड़े रहकर धक्के मारते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल हवा नहीं आती है। हाँ तो अंसा उनसे कहो ना, थोड़े झुककर धक्के मारे, ऐसा सर नीचे रख के। राजकुमार बाबूजी को बताओ। एक मिनट देखना बराबर बाबूजी। देखा देखा बराबर। चलो अभी धक्के मारो, चलिए। बेशर्मो, खुद तो राजा की तरह गाड़ी में बैठे हो और मुझसे धक्का मरवा रहे हो। जयश्री ला चूरा ला चूरा ला, आज तो मारी डालूंगा भावेश कुमार को। ना ना बाबूजी, अभी नहीं, फिर खून से लथपथ छुरे से मैं ये टमाटर कैसे काटूंगी? जयश्री बहन, फिर ऐसे 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 करके दो डालना ने। पानी बहुत कम बचा है ना हिमांशु, और भावेश कुमार का खून हो रहा और मैं मना करूं? नसीब मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, पानी कम है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है? हाँ तो इसलिए तो गाड़ी चल नहीं रही बाबूजी। बाबूजी आपको क्या लग रहा है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, वो देखने के लिए हम आपसे धक्का मरवा रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है तो मैं धक्के क्यों मार रहा हूँ? अरे गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुँचाने के लिए बाबूजी। उतर उतर, आस पास पेट्रोल पंप ढूंढ और पेट्रोल लेकर आ, जल्दी जल्दी कर। खाली हाथ मत आना। नहीं वो होगा साथ में। चलिए चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। लीजिए अंसा बाबी, गरम गरम थेपले। इन कपड़ों में, नहीं नहीं जयश्री, मैं साड़ी बदल के आती हूँ, एक मिनट। अरे इस साड़ी में क्या खराबी है अंसा? बाबूजी आप प्लेट का रंग देखिए, प्लेट का रंग देखिए, मेरे साड़ी का रंग देखिए बाबूजी, बिल्कुल मैचिंग नहीं है पैसा। आपको तो बाबूजी कुछ भी नहीं आता हो? साड़ी बदल के आती। हाँ हाँ सब अभी जाइए। जॉयश्री, ये बाहर जाने का रास्ता कहाँ से होगा भाई साहब? अरे बहन जी, हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना हो? बहन जी आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? अच्छा आपको मेरी ये फटी हुई साड़ी चाहिए? हाँ? नहीं नहीं देखिए, इसमें अच्छी है वो, इसके बदले में मुझे एक ग्लास पानी दे दीजिए बहन जी,
जैसे चक्कर जैसा आ रहा है भैसा। अरे जवाब तो दीजिए गमंडी। ले थैंक यू भी नहीं बोली। इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। ए जॉयसी, हंसा भाभी अभी तक नहीं आई। चलो चलो चलकर ढूंढते हैं। हंसा भाभी, हंसा भाभी, हंसा। ओ बड़ी बहन। ए मंशु, आजू बाजू नजर रखना। इस जंगल में टाइगर्स बहुत है, देखते रहना। नहीं नहीं नहीं, कोई मत देखना। अरे भावेश कुमार, यहाँ हंसा खो गई है। उसको ढूंढने की वजह आप टाइगर देखने के लिए कह रहे हैं? मत देखना, कोई मत देखना। सही है, टाइगर्स तो हम वो जू में या सर्कस में भी देख सकते हैं। फिर? अरे हिमांशु, टाइगर से संभलने के लिए कह रहे हैं भावेश कुमार। अच्छा बाबे, ओ बड़ी बहन, ए जैसी बहन, ये देखिए बड़ी बहन की साड़ी। साड़ी? अरे लेकिन ये पूरी साड़ी में हंसा तो कहीं नहीं है। हरबिंदर, लगता है टाइगर हंसा भाभी को खा गया। नहीं, हंसा, मेरी हंसा, मेरी हंसा। हेलो बाप। कासिम। जयश्री, खबर में तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने कहा कि उस जंगल में 4-5 घंटे लापता रहना मतलब बचने के नो चांस। हाँ हाँ बाप, ये हार्ट पिंजर मेरे हंसा भाभी का ही है शायद। अरे हाँ बाप, 4-5 दिनों के बाद मैं मेलिसा को छोड़ आऊंगी जंगल में, लेकिन तब तक प्रफुल भैया का क्या करूं? उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ हाँ, बाबूजी का दिमाग खाते हैं, लेकिन उससे क्या पोषण मिलेगा उनको? अरे चल प्रफुल, अब खाना खा ले। बड़ी बहन जिदा है जीजा जी। अरे तू समझा इसे हिमांशु, 7 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं गया है मुंह में। वो तो अच्छा किया, वो अन्न का दाना कच्चा होता है ना, तो जीजा जी हजम कैसे कर पाते? हिमांशु भैया, अन्न का दाना एक मुहावरा है। बॉस, हाँ बॉस, कड़की बॉस। अरे ऐसे टाइम पे तो बेचारे हिमांशु को नीचा मत दिखा। हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की राजू के लिए ठीक नहीं है। अब इसमें मेलिसा ने क्या किया? अरे वो अपनी कल्पना बहन की कामिनी पागल है। वो अगर आज तेरी बीवी होती तो हिमांशु को नीचा दिखाने के बजाय पड़ी होती ना वहाँ कोने में ये करती हुई। बाबूजी, हर पागल ये नहीं करता। तही है मेरे लिए जिस लड़की का रिश्ता आया था ना, वो तो मुंडी हिलाती थी ऐसे ऐसे। आपके लिए पागल लड़की का रिश्ता आया था? हाँ, 2 मीटिंग भी हुई थी हमारी, फिर 3री मीटिंग में बातचीत करने के बाद मना कर दिया लड़की ने। अंसा, अंसा। बेटा। बाबूजी, प्रफुल भैया को तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, इनका शरीर भी गर्म है। अरे बुखार है तो शरीर तो गर्म होगा ही ना। ऐसा जरूरी नहीं है। बस हाँ, बस राजू बस। अल्बर्ट आइंस्टाइन, पता है कौन कितने पानी में है? हैं? बाबूजी, मैं डॉक्टर को बुला के आती। अरे सुनिए भाई साहब, यहाँ डॉक्टर दानावाला की डिस्पेंसरी थी ना? हाँ, पर डॉक्टर तो पिछले साल गुजर गए। आज मुझे उन्हें 1800 रुपए देने थे भगवान। ये तो आप यहाँ? अब ये मिस दुर्गा पटेल का ऑफिस है। और मैडम, अगर उन्होंने मुझे आपके साथ बात करते हुए देख लिया ना, तो समझिए मैं मर जाऊंगा। कमाल की औरत है ये दुर्गा पटेल। किस किस को आप
पटर पटर कर रहे थे? आपका किसी एफएम स्टेशन की रेडियो जॉकी है? आप अपना काम कीजिए काम। अरे सुनिए भाई साहब, यहाँ आसपास कोई डिस्पेंसरी है क्या? देखिए मैडम जी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछिए। और अगर अब की बार मुझे मैडम ने आपके साथ बात करते हुए देख लिया ना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एम, अरे सुनो सुनो, ये मुझसे बात कर रहा है। ए मैडम, क्या अभी आप अपना इस्तीफा अभी दीजिए, इस्तीफा। आई हेट पीपल हु डू नॉट ओबे मी। अरे सुनिए, क्या है अपने वो? आई नो डुप्लीकेट आंसर अभी। हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माय ऑफिस? थोड़ा अंग्रेजी बोलती हूँ आंसर अभी। आप यहां से जाइए, गो गो। क्या काम है आपको? किससे काम है? आपसे? अब मुझे आपसे काम है, ये कहते हुए भी मुझे डर लग रहा है क्योंकि आप तो काम करती ही नहीं। Beg your bloody pardon, मैं काम नहीं करती। मैं सुबह 6 बजे उठकर एक हाथ में टूथब्रश और एक हाथ से अखबार पढ़ती हूँ और दोनों पैरों से मैं एक्सरसाइकलर चलाती हूँ। उसके बाद मैं 7 से 9 बजे तक अपना लंच और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। पूरे घर की साफ सफाई करके 10 बजे यहाँ आती हूँ। 10 बजे से 8 बजे तक मैं यहाँ ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती हूँ और आप कहती हैं मैं काम नहीं करती। I can't stand people who sit idle and just while away their time because I think a moment lost is a rupee lost, is an opportunity lost. You see? Oh God! पानी दीजिए, पानी। Hello, 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 come on. खाना खा के जाना, ये तो बोलिए। She's lost it. आप बेहोश हो गई थी मैडम, बेहोश। अरे बेहोश तो बाबूजी हो जाएंगे। हंसा भाभी, हेलो हेलो, अरे जवाब दे रहे हो या बाहर वालों से दिलवा दूं? हाँ बोल जयश्री। 4-5 किलो पैसे तो होंगे शायद, वजन नहीं किया मैंने। क्यों? क्या? ये लीजिए 3.5 किलो रुपए। देखिए सिर्फ प्रफुल्ल भैया का मन रखने के लिए आप। It's preposterous. I may be a Hansa look-alike, but हिंदी बापा हिंदी, वरना बाबूजी को तो अटैक आ जाएगा। दुर्गा बेटी, मेरा प्रफुल्ल मर जाएगा, उसकी जान बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए तो हंसा बन जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ते हैं बाबूजी, पैर पड़िए। हम मुंह मां की रकम देंगे आपको। वैसे तो आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसका पता लगा लिया मैंने गॉसिप कर। अरे हम आपको ढेर सारे पैसे देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए 800 ग्राम रुपए। मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ हंसा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सज धज के सोफे पे बैठे रहना और फालतू बकवास करते रहना। अरे वो मैं आपको 2 दिन में सिखा दूंगी पापा, आप पहले हाँ तो कहिए। हेलो मैडम, कानपुर में हमारी कंपनी ने 60 लाख का नुकसान। अच्छा ओके बाय। मैं हंसा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बनूंगी कैसे हंसा? मैं सिखाऊंगी उन्हें हंसा बनना बाबूजी। जल्दी से सिखा दे जयश्री, प्रफुल्ल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज डॉक्टर कह रहे थे कि बाबूजी, बाबूजी। अरे प्रफुल्ल, क्या हुआ प्रफुल्ल? हिमांशु अंदर डॉक्टर से कह रहा था कि टाइगर ने मेरी हंसा का मर्डर कर दिया। प्रफुल्ल मर्डर मतलब? अरे नहीं नहीं नहीं, नींद में से जागे कुंभकर्ण की तरह पूरे शरीर को हिलाओ दुर्गा। प्रफुल्ल मर्डर मतलब? इन्हीं को नहीं बना सकते हंसा? इनकी मूछें है ना, थोड़ा और लगेगा। चलो बोलो। हाँ हाँ बोलती हूँ। प्रफुल्ल मर्डर मतलब? ये, ये। अरे मेरा पारसी बॉस,
अपने घर वालों का परिचय देते हुए क्या कहता है? वो कहता है कि दिस इज माई फादर एंड दिस इज माई मर्डर माई मर्डर मर्डर दिस इज आउटरेजियस. मुझसे नहीं होगा मिसेस पारेख, प्लीज आई एम सॉरी. दुर्गा, कंपनी को बचाना है ना. बाबूजी, एक किलो पैसे और दीजिए. ये लो, ये लो, एक किलो रुपए और. क्या करना है मुझे? कर चलो. वो है हंसा भाभी. जय श्री. मैं आराम करने जा रही हूँ. 2 घंटे आराम करने के बाद मैं आत्महत्या करूंगी. वो है प्रफुल भैया. प्रफुल? हॉस्टेल मतलब? हॉस्टेल अंसा, अरे हॉर्स याने घोड़ा और टेल याने पूंछ, घोड़े की पूंछ. हॉस्टेल. ये देखिए, ये हमारे घर के सारे सदस्य. चारों तरफ बर्फ ही बर्फ. तू यहाँ से ना थोड़ी सी बर्फ पैक करके बम्बई ले चल. अंसा, बम्बई पहुँचते पहुँचते बर्फ पिघल जाएगी. हाँ, लेकिन बाबूजी आसपास बर्फ रखेंगे और उसके अंदर बर्फ पैक करेंगे, ऐसे ही थोड़ी. बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता. ये देखिए, ये है हिमांशु. आर फॉर डोसा. हिमांशु, डी फॉर डोसा. लेकिन मैं रवा डोसा की बात कर रहा हूँ ना. ये है आपकी बेटी चक्की. आज तुमने ऐसा काम किया है कि जब मेरे प्रोफूल आएंगे तो मैं सुपर असली हीरो का हार बनवाऊंगी, जो मैं कभी कभी तुझे भी पहनने दूंगी. दिन देखी अब देख मैं कैसे पक्की बनती. मुझे ऐसा बनना है? नहीं, मुझसे नहीं होगा. आई एम सो सॉरी, दिस इज टेरिबल. बाबूजी, ये लो 450 ग्राम और बस. कर चलो. बाबूजी, आज क्या घूमने जाएंगे? आज हम पिक्चर देखने जा रहे हैं राजू. कृष्णा कॉटेज. हंसा भाभी, मनाली आके कोई पिक्चर देखने जाएगा या मनाली देखने जाएगा? पिक्चर देखने जाएगा राजू. क्योंकि कृष्णा कॉटेज में तो मनाली दिखाया है. उसकी शूटिंग भी इधर ही कहीं हुई है. शूटिंग का शूटिंग और मनाली का मनाली. कौन कौन है ये समझ गई ना? हाँ, ये लोग कौन कौन है ये तो समझ गई करीब करीब. लेकिन ये लोग ऐसे क्यों है ये नहीं समझ पाई मैं. वो मैं तुम्हें समझा दूंगी. चलो चलो, प्रैक्टिस शुरू करें. गजरे वाले, गजरे वाले. हेलो, हाउ आर. खाना खाके जाना है? ये लीजिए आपके गजरे. कैसे दिए? 4 रुपए का एक. नहीं नहीं, मुझे इतना सस्ता नहीं चाहिए. तो 10 रुपए का एक. तो फिर दे दो 1 डजन. अच्छा, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है. चलिए चलिए, आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए. बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता. वर्ल्ड बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट. आज अब कल करवाते हैं प्रफुल भैया की हंसा भाभी से मुलाकात. देखिए कौन आया है. हंसा. प्रफुल. हंसा. प्रफुल. हंसा. प्रफुल. हंसा. प्रफुल. हंसा. प्रफुल. हंसा. Hansa. 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 Hansa.
मेरी अंसा। राहुल, 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 आप कहाँ थे? कहाँ हैं आप? मेरी अंसा। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल।